यही चीज ला मन में रघुनाथ जी भी सोचत कि देवता मन अतका विलंब काबर करत है। काबर एक रात की कहानी है, एक रात की कहानी है, एक रात में मोला राजा बन जाना है, देवता मन अतका विलंब कैसे करत करके रघुनाथ जी भी सोचे लगे। माता सरस्वती तो पछताते छे कि मोला नियुक्त करे है, काबर बुद्धि ला फेरे पर जाना है। बाकी रघुनाथ जी भी सोचे लगे कि देवता मन का विलंब काबर करते हैं, काबर जैसे प्रातः काल हुई सुबह हुई मोर पिताजी मोला राजा बना दी। हाँ काबर मी यहाँ तो राजा बने पर नहीं आए हूं, मोला तो सबकी सेवा करना है, दिन दुखी की सेवा करना है, गुरुजन की सेवा करना है, माता सबरी के पास में जाना है, हनुमान जी ना दर्शन देना है, मोला लंबा रास्ता तय करना है, मोला एक गद्दी में बैठ के रहना नहीं है। बाकी देवता मन उतना विलंब काबर करते हैं कि विस्मय हर से रही तेरा घुराओ तुम जानो सब राम प्रभाओ जीव कर्म बस सुख दुख भागी जाई अवध देवती लागी। आदरणीय श्रोता सत समाज, ये जीव है ना दाई, सबके शरीर में जीव है, ये जीव कब सब पवित्र होते जान तो, ये जीव कब पवित्र होते कर्म के अनुसार, कर्म हम अच्छा हुई ना तो जीव पवित्र होते कथे। हाँ ये तो त्रेता युग की घटना जरूरी, बाकी कलयुग में भी अच्छा कर्म करबो ना ये जीव हा परमात्मा से लीन हो जाते कथे, परमात्मा से पा जाते। जगह जगह देखा तो भागवत पुराण की यज्ञ की आयोजन होते, रामायण की आयोजन होते, शिव महापुराण के आयोजन होते, समस्त पुराणों के आयोजन होते, काबर हमर जीव परमपिता परमात्मा की चरणान बिंद से लग जाए, कर्म अच्छा हो जाए। जब कर्म अच्छा हो जाते ना ये जीव बड़ा सुंदर हो जाते, और जीव परमात्मा से जब लीन हो जाते पवित्र कर्म बन जाते। कि हमन कलयुग के प्राणी बड़ा भटक जाते, सुनो था दाई कलयुग के प्राणी हम भटक गए, ये जीव ला हमन अच्छा कर्म नहीं लगाते। कथा सुनथन जरूर, भागवत सुनथन जरूर, श्री महापुराण स्वरूप सुनथन जरूर, बाकी हमर आचरण ला हमन नहीं बदल सके, बदलथन का अतका जन बैठे हैं, कतका जन बैठे वो कम से कम 50-60 जन तो हो बचो है ना, अतका जन में कथा कहानी सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक, बचपन से लेकर जवानी तक, जवानी से लेकर बुढ़ापा तक, सब जन सुना था कि नहीं सुना था, सुन था ना, बाकी कुकरी खाए भर के जन छोड़े बताओ कुकरी खाए भर को छोड़े का नहीं छोड़े। आओ भैया मन बैठे थे पूछे रहे थे दारू पिए बार छोड़े का नहीं छोड़े, तो कथी को तिल ते सुधरा था, सुना था जरूर कथा कहानी भागवतों का कि हमार कर्म उतर अपनी जाते ना, जीव भटका था। और तीन चीज में भारी भटका था ताई, तीन चीज में वो ज्यादा भटका था, का में पहली चीज है का छाया, छाया काला कथे फोटो, सब जन के पढ़कर फोटो हुई मोबाइल में हुई नहीं, कम से कम एक एक व्यक्ति कम से कम 40-50 ठन फोटो हुई एक एक ठन मोबाइल में, ये पक्का ये छाया चक्कर में पड़े कोनो जगह हुई तो सेल्फी छत पर खींच रहे, कुआ पार में खींच, तरिया पार में खींच, गुड़ा को लगावा तब वो खींच। भैया मन तो दारू पिया रहते तब लोग मोबाइल में फोटो ले डरते, तो रहे डिस्पोजल के साथ आना चाहिए एकदम चकाचक, खाली रात दिन फोटो के चक्कर में घूमा थे। बहनी मन ला देख बे बिल्कुल सेल्फी लेते, आखी गान भले टेढ़गा मेढ़गा हो जाए कोई ठिकाना नहीं, सूत के उठी तब सेल्फी, रात के 12 बजे तक सेल्फी ले बता, पता नहीं वो फोटो खाए कर ही कथी कर रखी समझ में, रात दिन खाली छाया के चक्कर में घूमा फोटो के चक्कर। दूसरा एक तो छाया होगी, दूसरा माया, माया जानते नहीं क्या होती माया, मोर बेटा मोर बहू मोर नाती मोर पोता मोर घर मोर द्वार मोर खेती मोर खार मोर भैंसा मोर भैंसा, वही चक्कर में रात दिन घूमा थी माया के चक्कर, खाना खा लेना रे निखानवा और खा लेना बेटा।
पहली फोटो चक्कर में छाया में, दूसरा माया के चक्कर में। मोर तो 10 एकड़ जमीन है जी, ऊपर ना 50,000 के बीचे सोना गहना लेके आया इससे, ये माया के चक्कर में घूम। और तीसरा कायदा आई, ये काया ये शरीर, ये काया छाया माया और तीसरा हो गया काया ये शरीर। हाँ लक्ष्य में नहावा था, बड़े बड़े शैंपू लाल रहे और ज्यादा महिला नहीं निकल, कपड़ा धो साबुन में रगड़ रगड़ के नहावा था। मन साल एकदम बिल्कुल को किससे का डर में थे। ये तीन के चक्कर है माया में, ये जीव हा भगवान से बड़ा विमुख कर देते कि भगवान के पास जाना है, जीव ला पवित्र करना है, का करने लगी कर्म अच्छा करने लगी। रघुनाथ जी भी किस ना कि सरस्वती हाथ का विलंब करत काबर है, एक रात के बात है, एक रात की कहानी है। अब एक रात में खेल होना है कि राजा दशरथ ला सोचे है कि बेटा राम ला राजा बनाना है सुब्बे। माता सरस्वती रातेज कन कहा देवता मंत्री जल्दी जा, राम कहा थे काबर तक देर करत है। सबके प्लानिंग चलत है राते में, और रातेज में प्लानिंग बड़ा भयंकर होने वाला है। सुबह खोत ले पूरा पूरा रात भर ऐसे षड्यंत्र चले। आगे कथा में देखिए ऐसे षड्यंत्र है। एक रात होते ना दाई 12 घंटा तो नहीं कहो, 10 घंटा के रात ना आदमी कहानी बना दे नहीं तो पूरा महाभारत हो जाते, कहानी बना देते तो बड़े बड़े ग्रंथ लिखा जाते। ये रामचरित मानस ग्रंथ है, एक के रात में लिखा गया। हाँ एकरे माता सरस्वती की देवी देवता की कहानी। आओ सुंदर भाव के साथ में भजन के आनंद लें, फिर कथा सागर में डुबकी लगाओ।